नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैनल है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक की वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है और आगे भी अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही साथ एक हमारा दूसरा चैनल है डीआर वेटी क्रिएटेड, ये वाला, जहाँ मैं यूट्यूब से रिलेटेड ट्यूटोरियल बना के हिंदी में अपलोड कर रहा हूँ, जिसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज मैं एक डीआर टेक्नोलॉजी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि गूगल क्रोम को प्राइवेट मोड में कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मेरा गूगल क्रोम है, इसको मैंने स्टार्ट किया तो ये नॉर्मल मोड में स्टार्ट हुआ। अब इसके अंदर मैं कुछ भी काम करूँगा ना, तो इसका एक हिस्ट्री सेव होता है, हिस्ट्री कुकीज टेम्पोरी फाइल सेव होता है। जैसे कि हिस्ट्री को आप यहाँ से चेक कर सकते हो, मैंने जो भी अभी काम किया ना, ये सारा हिस्ट्री इसके अंदर सेव हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं प्राइवेट मोड में ऑन करके काम करूँ, ताकि कुछ भी चीज़ इसके अंदर सेव ना हो। जैसे कि अगर मैं कभी अपने दोस्त के ऑफिस में गया, या घर पे गया, या साइबर कैफे में गया, अगर वहाँ पे मैं नेट यूज करता हूँ ना, तो गूगल क्रोम को ऑन करूँ और प्राइवेट मोड में काम करूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, न्यू इनक्लोजर विंडो पे क्लिक करनी है, और ये आपके प्राइवेट मोड पे चालू हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी काम कीजिएगा, इसका कोई भी चीज़ कहीं भी सेव या स्टोर नहीं होगा। तो इस तरह से आप प्राइवेट मोड में काम करके सेव होने से बचा सकते हो, और रिस्टोर होने से बचा सकते हो, स्टोर होने से बचा सकते हो। सिंपल तरीका है, पहले आप एक बार गूगल क्रोम को ऑन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू इनक्लोजर टू विंडोज। आप यहाँ से आपको जो भी साइट खोलनी है, जो भी काम करना है, आप कर सकते हो। सिंपल तरीका है। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे डीआर टेक्नोलॉजी और डीआर ओटी किटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ अगर पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के अपलोड करने का। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय।